हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीदीमन। तो हमारा जो बाल विकास का हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाएं, जिसमें हमने शैशव अवस्था जन्म से 5 वर्ष की, यह हम कर चुके थे लास्ट वीडियो में। आज हम करने वाले हैं बाल्यावस्था, जिसका टाइम पीरियड है 6 से 12 वर्ष। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक किया करें, जिससे कि और भी बेहतर तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगी। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको देखिए प्लीज, क्योंकि अगर आपका बेस ही क्लियर नहीं होगा तो आप आगे जो भी चैप्टर्स आएंगे उनको आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको जो भी वीडियोस पहले डाले जा चुके हैं उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे बाल्यावस्था। तो बाल विकास को हमने 3 भागों में बांटा था, जिसमें हमारे क्रम से थे शैशव अवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो ये सेकेंड अवस्था है बाल्यावस्था, 6 से 12 वर्ष तक की। इसे हम प्ले एज, गैंग एज और स्कूल एज कहते हैं, क्योंकि यह खेल की आयु है, समूह बनाने की उम्र है और स्कूल की उम्र है। ठीक है, स्कूल जाने की उम्र है, कौन सी, बाल्यावस्था। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। बाल्यावस्था को हम प्ले एज कहते हैं, खेल की उम्र। इसी तरीके से शैशव अवस्था को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन दोबारा से सुनिए। जिस तरीके से बाल्यावस्था को हम खेल की उम्र कहते हैं, खेल की आयु कहते हैं, प्ले एज कहते हैं, उसी तरीके से शैशव अवस्था को क्या कहा जाता है? चलिए, हमने देख लिया है कि बाल्यावस्था जो है वो खेलने की आयु है, समूह बनाने की आयु है, क्योंकि इसमें बच्चे जो हैं वो अपने समूह बनाने लग जाते हैं, और स्कूल जाने की उम्र है। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन का अनोखा व निर्माणकारी काल है। जिस तरीके से शैशव अवस्था को हमने देखा था कि शैशव अवस्था जो है, शैशव अवस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। शैशव अवस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, उसी तरीके से बाल्यावस्था जीवन का अनोखा व निर्माणकारी काल है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, कंफ्यूजन भी होता है लेकिन मैं आपको कंपैरिजन के थ्रू ये चीज समझाती जाऊंगी। देखिए, शैशव अवस्था को हमने देखा था सबसे महत्वपूर्ण काल है और आदर्श काल है, उसी तरीके से बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा व निर्माणकारी काल माना जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे जो होते हैं उनका माइंड जो है वो कुछ ना कुछ बनाने के लिए हमेशा लगा रहता है, वो कुछ ना कुछ आपको बनाते हुए दिखेंगे और यह जीवन का सबसे अनोखा काल होता है। चलिए डेफिनेशन के थ्रू हम देख लेते हैं। फर्स्ट है रॉस की डेफिनेशन। रॉस कहते हैं कि मिथ्या परिपक्वता का काल है, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है, क्योंकि बच्चा जो होता है वो अभी परिपक्वता की सीढ़ी के पहले कदम पर होता है और उसके अंदर कुछ भी पाने की इच्छा जो है वह होती है, उसके लिए वह झूठ भी बोल लेता है। तो अगर झूठ बोलने की अवस्था पूछी जाती है तो वह भी बाल्यावस्था होती है। चलिए नेक्स्ट है बर्ट। बर्ट कहते हैं कि बाल्यावस्था में भ्रमण व साहसिक कार्य की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। इसमें बच्चा जो है वो ज्यादा से ज्यादा भ्रमण करना चाहता है, अगर आप उसे बांध कर घर में रखना भी चाहें तब भी वो नहीं रुकता है और बहुत सारे साहसिक कार्यों को करने के लिए वो तत्पर रहता है। और इस उम्र में ही बच्चे जो है उन्हें बहुत सारी चोट वगैरह भी इसी वजह से लगती है, क्योंकि इस उम्र में ही बच्चों के अंदर साहसिक कार्य करने की प्रवृत्ति जो है उनमें तीव्रता पाई जाती है। ठीक है, तो रॉस को हमने देख लिया। रॉस की डेफिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, मिथ्या परिपक्वता का काल। नेक्स्ट है काल व ब्रूस। काल व ब्रूस का कहना है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है और ये किसके द्वारा कही गई है, काल व ब्रूस के द्वारा। देखिए इसकी ट्रिक है, काल ही काल, यानी यहाँ पर काल की डेफिनेशन में काल के द्वारा कहा गया है अनोखा काल, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और जो डेफिनेशन है आपको याद नहीं होती है उनको बार बार आप पढ़िए, याद हो जाएगी। उनके जरिए आप उस शब्द के अर्थ को समझने की कोशिश करिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ट्रिक भी बनाइए, मैंने कुछ ट्रिक बनाई है, उनसे भी याद किया जा सकता है और आप अपनी खुद की बनाई हुई ट्रिक भी काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट है सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड का कहना है कि बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्तावस्था कहा जाता है। ठीक है, तो हमने देखा था फ्राइड ने शैशव अवस्था में क्या कहा था,
बच्चा जो होता है उसकी शैशवावस्था में जो काम प्रवृत्ति होती है वो तीव्र होती है, ठीक है। लेकिन सिगमंड फ्राइड ने बाल्यावस्था में कहा है कि जो काम की प्रवृत्ति होती है वो सोई हुई होती है, यह प्रसुप्तावस्था होती है, ठीक है। काम की प्रवृत्ति यहाँ पर सोई हुई होती है। नेक्स्ट सिगमंड फ्राइड ये भी कहते हैं कि यह निर्माणकारी काल है, क्योंकि यहाँ बच्चे का निर्माण हो रहा है, नींव जो है वो रखी जा रही है, उसके ऊपर कितने इमारतें बनेंगी यह इसी उम्र में तय होता है। तो वो कुछ ना कुछ आपको बनाते हुए दिखता है, उसके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो आपको 6 से 12 वर्ष के बच्चे के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। देखिए, कोई भी चीज को अगर आप रियल लाइफ से जोड़ेंगे तो वो चीज आपको लंबे समय तक याद रहेगी, ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो सिगमंड फ्राइड की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि वो काम की बात करते हैं, तो उन्होंने फ्राइड ने शैशवावस्था में कहा कि काम की प्रवृत्ति तेज होती है, बाल्यावस्था में कहा कि यह सोई हुई रहती है, इसके अलावा यह निर्माणकारी काल है, कौन सा, बाल्यावस्था। चलिए, फ्राइड की डेफिनेशन की जो ट्रिक है वो हमने पहले भी देखी थी, मैगी से बनाई थी। मैगी फ्राई करने से शरीर का निर्माण कम होता है। देखिए, मैगी जो है वो मैदे की बनी होती है, तो इससे शरीर जो है वो अच्छा तो नहीं होता है, थोड़े टाइम के लिए हाँ ये आपको अच्छी लगती है लेकिन फिर भी यह अच्छी नहीं होती, इससे सेहत खराब होती है। तो इस तरीके से याद रखिए, मैगी फ्राई करने से शरीर का निर्माण कम होता है, ठीक है। तो फ्राइड से याद रखना है फ्राई, और निर्माणकारी काल से याद रखना है शरीर का निर्माण। आई होप आपको जो ये ट्रिक है वो आपको समझ में आती होंगी। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कहते हैं कि शायद ही कोई खेल हो जो 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। आपने भी देखा होगा कि 10 वर्ष का बालक जो है वो हर काम करना चाहता है, जो बड़े करना चाहते हैं उसको वो खुद करना चाहता है। तो स्ट्रेंग ने कहा है कि शायद ही कोई खेल ऐसा बचा हो जो 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। ट्रिक क्या है, 10 स्प्रिंग 10 साल तक चली, ठीक है। कोई स्प्रिंग जो होंगी वो बहुत मजबूत होंगी शायद, तो इसमें ट्रिक बनाई है मैंने कि स्ट्रेंग से बनाई है स्प्रिंग, और 10 वर्ष का बालक से बनाई है 10 साल। तो कोई 10 स्प्रिंग जो होंगी वो 10 साल तक चली। नेक्स्ट है किलपैट्रिक। किल पैट्रिक महोदय कहते हैं कि प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल, ठीक है। प्रतिद्वंदात्मक यानी कि यहाँ पर प्रतिद्वंद होते हैं, समाज में प्रतिद्वंद होने लग जाते हैं, क्योंकि इसमें आप खुद देखते हैं कि एक जो बालक है 6 से 12 वर्ष का, तो उसके बहुत सारे झगड़े भी होते हैं, समूह बनाने की यहाँ प्रवृत्ति पाई जाती है, समूह बनाते हैं। तो कहीं पर देखिएगा वो टोली बनाने लग जाते हैं, अपनी टोली, ये हमारी टोली है और वो उनकी टोली है, इस तरीके से वो बातें भी करते हैं और इनमें झगड़े जो हैं वो भी देखने को मिलते हैं। तो किल पैट्रिक कहते हैं कि प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। ट्रिक देखिए, कील लगने से प्रतिद्वंद प्रारंभ हुआ। भाई अगर कील लगती है तो चुभन होती है, और चुभन होती है तो प्रतिद्वंद प्रारंभ होता ही है। तो किल पैट्रिक की डेफिनेशन को हमने ट्रिक से देखा कि कील लगने से प्रतिद्वंद प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट देखिए, ये डेफिनेशन है ब्लेयर जॉन सिम्पसन की। इनका कहना है कि बाल्यावस्था वो काल है जिसमें व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्यों व आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है, क्योंकि यहीं पर बच्चे के जो मूल्य हैं, जो रीति रिवाज हैं, जो आदर्श हैं, उनको सिखाया जाता है कि बेटा जब कोई आता है तो आपको इस तरीके से व्यवहार करना है, और जब कोई बाहर मिलता है तब इस तरीके से व्यवहार करना है, ऐसे बैठो ऐसे खाओ, यहाँ पर ये चीजें जो है उसको सिखाई जाती है। तो यही वो अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोण, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक निर्माण होता है। तो हमने इन डेफिनेशन से ये चीज समझी, और अब हम देखेंगे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन है वो कौन सी है। देखिए, आपको याद रखना है जीवन का अनोखा और निर्माणकारी काल, जिसमें निर्माणकारी की बात फ्राइड करते हैं, और अनोखा काल इसकी बात जो है वो काल ब्रुस करते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन जो है वो पूरे शब्द को ही बयां करती है। नेक्स्ट, रॉस की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है, मिथ्या परिपक्वता का काल। इसके बाद जो डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है वो है किल पैट्रिक की, कि प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल जो है वो बाल्यावस्था ही है। चलिए अब हम देखते हैं इनकी विशेषताएं। जीवन का अनोखा और निर्माणकारी व स्फूर्ति अवस्था है, ये हमने समझ ली है। नेक्स्ट है खेल की आयु, ठीक है।
प्ले एज है ये, यहाँ बच्चा जो है वो खेलने में ही अपना समय जो है वो ज्यादा से ज्यादा बिताता है। नेक्स्ट है सृजनात्मकता का विकास, बहुत सारी चीजों का निर्माण करता है, इसे निर्माणकारी काल जो है वो फ्राइड ने ही कहा है। तो बहुत सारी चीजों का सृजन जो है उसका विकास बालक के अंदर भरपूर मात्रा में होता है, कुछ ना कुछ बनाने का कार्य जो है वो करता ही रहता है। नेक्स्ट है मूर्त चिंतन का विकास, देखिए मूर्त क्या होती है, जो चीजें दिखाई देती हैं हमें, तो बच्चा जो है वो कुछ भी देख रहा होता है तो उसके बारे में सोचने सोचना जो है वो प्रारंभ कर देता है। तो देखने वाली जो दिखाई दे रही है उन वस्तुओं को देख कर और फिर चिंतन करना, इसका विकास जो है वो बाल्यावस्था में पाया जाता है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिएगा। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को हम जब जीन प्याजे पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम इस चीज को अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट है बालक की भाषा में सर्वाधिक रुचि, देखिए भाषा का जो समाजीकरण है वो हमने देखा था कि शैशवावस्था में 2 से 6 वर्ष तक वहां प्रारंभ हो गया था। ठीक है, और सर्वाधिक रुचि जो है वो यहाँ पर आने को देखने का मिलती है। नेक्स्ट है झूठ बोलना चोरी आदि की शुरुआत, देखिए यहाँ पर बच्चा जो है वो बहुत गलतियां करता है और अपने झूठ को छिपाने की कोशिश भी करता है, कई बार तो वो चोरी भी करने लग जाता है। ठीक है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता है कि वो जो कर रहा है वो सही है या गलत है। तो झूठ बोलने की प्रवृत्ति, चोरी करने की प्रवृत्ति, ये भी यहीं पर पाई जाती है। देखिए आप पढ़ रहे हैं बाल विकास, तो बाल विकास को पढ़ने के लिए आप अपने आसपास के बच्चों और खुद के ही परिवार में जो बच्चे हैं उन पर इस चीज को आप लागू करके देखिए, आपकी आधी चीजें जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आपने देखा होगा जैसे 12 वर्ष का बच्चा जो होता है उसमें झूठ बोलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, चोरी भी कर लेता है वो छोटी छोटी चीजों की, वह स्कूल में अगर गया है तो किसी की पेंसिल ही चुरा रहा है, ये उसको सिखाया नहीं जाता है, ये वो अवस्था ही ऐसी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए समान लिंगीय समूह की भावना अपने साथी बनाना। ठीक है, तो गैंगेज है ये, और यहाँ पर समूह है वह बनने लग जाता है और अपने समूह के सभी कार्य को करने के लिए बच्चा जो है वो ऐसे जुट जाता है जैसे यही हमारे सब कुछ हो। ठीक है, और जो टोली बनाता है तो वो जो दूसरी टोली होती है उसके लिए तो वो उस तरीके से कार्य करता है जैसे कि वो तो हमारे दुश्मन ही है। ठीक है, और इसमें जो टोली भी कैसी बनाते हैं कि जो लड़के हैं यानी जो छोटा बच्चा है वो बच्चा तो अपने साथियों को जिसमें सभी लड़के ही शामिल होंगे ऐसी टोली बनाएगा, लड़कियां अपनी लड़कियों की टोली बनाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर समान लिंगीय भावना जो है वो पाई जाती है, लेकिन शैशवावस्था में हमने देखा था कि वहां पर हमें विपरीत लिंगीय भावना पाई जाती है, यानी कि जो छोटा बच्चा होता है उसका अपनी मदर के प्रति अट्रैक्शन और जो छोटी बच्ची होती है उसका अपने फादर के प्रति अट्रैक्शन होता है, लेकिन बाल्यावस्था में उसका अपोजिट होता है, यहाँ समान लिंगी भावना पाई जाती है। नेक्स्ट है समूह में खेलना, देखिए वही बात है कि समूह में खेलने की प्रवृत्ति होती है, दल या टोली में बनाने की रहने की अवस्था होती है और ये थोड़े ही टाइम के लिए बनती भी है और बिगड़ भी जाती है। आप देखिएगा टोली बनती है लेकिन अगर उसमें से किसी ने कुछ कह दिया तो वो टोली बिगड़ भी गई उसी वक्त, तो ये वही अवस्था होती है। नेक्स्ट है काम प्रवृत्ति सुप्त, ये हमने पहले देख लिया था। नेक्स्ट है विपरीत लिंगी में आकर्षण ना होना, ठीक है वो समान बात ही है, देखिए क्वेश्चन जो है वो समान लिंगीय इस तरीके से भी आ सकता है, विपरीत लिंगी में आकर्षण ना होना ऐसे भी आ सकता है कि भाई जो लड़कियां हैं वो लड़कों के साथ अपनी टोली बनाना पसंद नहीं करती हैं और ना ही लड़के लड़कियों के साथ अपनी टोली बनाना पसंद करते हैं बाल्यावस्था के अंदर। नेक्स्ट है शारीरिक विकास में स्थिरता, शैशवावस्था में जितना अधिक तीव्र गति से विकास होता है शारीरिक उस तरीके से बाल्यावस्था में नहीं होता है, किशोरावस्था में फिर तीव्र हो जाएगा, लेकिन किशोरावस्था की अपेक्षा शैशवावस्था में शारीरिक विकास में तीव्रता अत्यधिक होती है। नेक्स्ट है सीखने की गति शैशवावस्था से कम, नेक्स्ट है सीखने की गति शैशवावस्था से कम, ठीक है यहाँ पर सीखने की जो गति होती है वह शैशवावस्था से कम होती है बाल्यावस्था के अंदर, क्योंकि हमने देखा भी था कि शैशवावस्था में आप बच्चे को कुछ भी सिखा दो, आप जन्म से 5 वर्ष के बच्चे को आप जितना सिखाना चाहते हो वो सिखा दो वो सीख जाएगा। वॉटसन की डेफिनेशन में हमने ये चीज पढ़ी थी कि आप कोई भी उनको बालक दे दो और वो उसको वही बना देंगे जैसा कि आप चाहते हो, ऐसा वॉटसन कहते थे।
नेक्स्ट है पूर्व बाल्यावस्था, यानी 2 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है पूर्व बाल्यावस्था होती है, इसमें बालक अन्वेषण की ओर प्रेरित तो होता है, कुछ ना कुछ खोजने की प्रवृत्ति, कुछ ना कुछ अन्वेषण करने की प्रवृत्ति जो है इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट है नए कौशलों व क्षमताओं के विकास में तीव्र वृद्धि, यहाँ पर बालक में नए कौशलों का विकास होता है, नई क्षमताओं का विकास होता है, जो कि शैशवावस्था में इतनी अधिक देखने को नहीं मिलती है, लेकिन बाल्यावस्था में जो कि एक निर्माणकारी काल है, यहाँ पर निर्माण और कौशलों में विकास में तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है। तो आज हमने बाल्यावस्था को अच्छे से समझ लिया है, नेक्स्ट हम किशोरावस्था को भी अच्छे से समझिएगा। देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बिल्कुल गलत ना हो। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं लेकिन कुछ अप्लाइड क्वेश्चन भी आते हैं, यानी कि अगर आप इनको समझ गए तो यहाँ से उठाकर एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आपका आंसर, अगर आपका कंसेप्ट ही क्लियर है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कैसा भी क्वेश्चन आपको दे दे एग्जामिनर, आप सही दिशा में जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।